स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर काउच विद शुभांकर। तो हाँ, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आप सबको जानकारी दी थी मेडिको लॉज के ऊपर, कैसे MBBA स्टडीज़ के बाद लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके ऊपर हमें बहुत ही अच्छे से डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने समझाया। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने आपसे बोला था कि हम लॉ के ही कुछ और एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो जी हाँ, आज इसी सिलसिले में हमने स्टूडियो में इनवाइट किए हैं तनुश्री संगल जी को। तो तनुश्री संगल जी जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉरपोरेट लॉ प्रैक्टिशनर है, और पिछले 15 सालों से उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस की है। तनुश्री जी जो है नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से अपनी मास्टर्स इन लॉ कंप्लीट की है, और उसके बाद उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी में भी एज अ लॉ लेक्चरर काम किया, और आज के दिन में वो अपना ही एक लॉ फर्म चला रही है। तो जी हाँ, चलते हैं तनुश्री जी के साथ और बात करते हैं इसी के ऊपर। तो तनुश्री जी, वेलकम टू करियर काउच विद शुभांकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Shimul. It's a pleasure to be a part of the show, and I'm so happy to be interacting with you for students. तो जी हाँ, जैसे कि कॉरपोरेट लॉ के बारे में तो हम लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके बारे में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए इसके बारे में। Shimul, intellectual property क्या है basically? कि it is the property or it is any form of art or anything that you create by using your intellect, whether it may be some invention of yours, it may be a medical invention that you've made, or it is some piece of art that you've created. So your right over that piece of art or that particular creation of your intellect, usko ye law protect karta hai. जैसे कि अगर आपने कोई पेंटिंग बनाई, उस पर कॉपीराइट है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इन्वेंट कर लिया या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन कर लिया, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर्स जो हैं ये हेल्प करते हैं। तो तनुश्री जी, जैसे कि आपने बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, तो ये जो स्टार्टअप्स है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बिकॉज फ्रेशर्स जॉब से ज़्यादा स्टार्टअप्स प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है इसके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की क्या लिंक है? सर्टनली शिमुल, स्टार्टअप्स के लिए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब वो अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्टअप्स अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे उनके लिए बिकॉज वॉट एवर दे हैव क्रिएटेड, जो कुछ भी वो काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है या फिर वो क्रिएटिव स्टार्टअप है, या इवन इफ दे आर यू नो कमिंग एंड सॉल्विंग अ सोशल प्रॉब्लम, दे ऑलवेज कीप क्रिएटिंग सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, may be trademarks, they may be making some inventions, so they may be having some patents, they may be having some trade copyrights or designs. So it is very important for startups to start identifying and protecting their intellectual property right when they start. Yeah, because kya ho raha hai ki आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जब स्टार्टअप के लिए वो डिसाइड करते, तब वो अपना बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते, लेकिन प्रॉपर जो है उनके पास लीगल नॉलेज है नहीं। बिकॉज अगर कॉमन, अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ, तो जैसे अगर बीकॉम में कोई मर्केंटाइल लॉ के बारे में जो है पढ़ाई तो कर रहे, लेकिन उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे काम में उसको लगाना है, आई थिंक ये नॉलेज नहीं होता है। और उसमें जो है फिर स्टार्टअप्स के बाद उनको समझ में आता है कि क्या क्या लीगैलिटीज़ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, राइट? यस। सो इसीलिए शिमुल, हम जब भी मैं एडवाइस करती हूँ, और स्टार्टअप्स, मैं स्टार्टअप कंसल्टेंट भी हूँ, लीगल कंसल्टेंट हूँ, और मैं अपने जितने भी टॉक्स हैं या जितने भी मैं जब भी मैं इंटरेक्ट करती हूँ स्टार्टअप से, तो सबको यही कहती हूँ कि इतना लीगल, बेसिक लीगल नॉलेज सबको होना चाहिए कि वो जब स्टार्ट करें तो उनको पता हो कि हमको किस तरह का अग्रीमेंट की ज़रूरत है, हम क्या चीज़ें हैं, बेसिकली द चेकलिस्ट, यू नो, दे शुड हैव, उनके पास होना चाहिए कि हमें ये करना है, ये लीगली हमको प्रोटेक्ट करना है, इस चीज़ में हमको किसी से एडवाइस लेना है, ये सारी लीगल प्रॉब्लम्स जो हैं वो एंटिसिपेट करें और उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए, उनसे बचने के लिए स्टेप्स लें। तो तनुश्री मैम,
जैसे कि हम स्टार्टअप्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उनके तरफ से आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब स्टार्टअप्स होते हैं तो आपने भी बताया कि लीगलिटीज़ के लिए लॉयर से राय लेना चाहिए, बट उसी के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, और डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत सारे जगह पे जो है उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे वो अपना स्टार्टअप्स स्टार्ट करें। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपको उनको कुछ हेल्प करना चाहिए इसके बारे में? शिमुल, डेफिनेटली जब आप स्टार्टअप करते हैं तो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम फोरम शॉपिंग जिस पे को वर्ड हम यूज़ करते हैं कि हम कहाँ कहाँ जाएँ, क्या क्या हम करें। तो इसीलिए जनरली डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि सीए की ज़रूरत पड़ती है, वो कंपनी फॉर्मेशन करेगा, वो उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन करेगा। सीएस का अपना अलग काम है, सीएस का रोल ज़्यादातर तब आता है जब कंपनी फॉर्म हो गई है एंड लाइक दैट। अच्छा, लॉयर्स भी हैं। जहाँ तक मैं अगर स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कमर्शियल लीगल एडवाइस की बात करूँ तो उसमें डेफिनेटली इनिशियल स्टेज पर आपको अगर आप आपके स्केल के ऊपर डिपेंडेंट है, आप बड़े लॉयर को नहीं हायर कर सकते हैं। सो एट दैट टाइम यू कैन गो इनिशियली ओनली फॉर फाइलिंग्स, कि आपकी फाइलिंग्स आपने किसी भी नोन अच्छे रिलायबल अच्छे लॉयर से करा लिया। लेकिन लेटर ऑन व्हेन योर स्केल ग्रोज, आपका स्टार्टअप ग्रो करता है, एट दैट टाइम आई विल एडवाइस कि एक अच्छे लॉयर से, एक आईपी अटॉर्नी से ज़रूर कंसल्ट करें कि आप अपनी ट्रेडमार्क्स को, अपने पेटेंट्स को, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे आगे प्रोटेक्ट करें। बिकॉज फाइलिंग इज़ वन थिंग, आगे जाके उसमें और जो इश्यूज़ आएंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, है ना, लिटिगेशन हो सकता है, तो उन सब चीज़ों में लॉयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो दैट इज़ वाई द लीगल पर्सन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं एक ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज मैं स्टार्टअप्स की लीगल कंसल्टेंट भी हूँ, तो ऐसे में इसीलिए इन सब सर्विसेज को कंबाइन करके भी गवर्नमेंट के जो स्टार्टअप सेल्स होते हैं उसमें दे अपॉइंट फैसिलिटेटर्स एंड दे ऑल्सो हेल्प दी स्टार्टअप्स सो दैट दे डू नॉट रियली हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड दे आर एबल टू गेट देयर कंसल्टिंग एज वेल एज लीगल एडवाइस। So like that, we are also attached to different incubation centers, as we call them, startup incubation centers or startup consulting organizations, and we provide a very wholesome advice there. So that is why, that is how the legal concerns of these startups are taken care of. तो मैम, अगर मैं संक्षेप में पूछूं तो आप कुछ चेकलिस्ट एक स्टार्टअप्स के लिए बताना चाहेंगे दैट जब वो ये स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ उनके चेकलिस्ट में होने चाहिए जो मैंडेटरी है? देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं शिमुल, लेकिन अगर मैं 5 बेसिक चीज़ें बताऊँ तो जब स्टार्टअप आप कर रहे हैं तो आप एक तो सबसे पहले देखें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट क्या है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, या आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटर हैं, या आप एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एमएसएमई या उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट के हिसाब से रजिस्ट्रेशंस करें। कंपनी सेटअप करनी है तो कंपनी, एलएलपी बनाना है तो एलएलपी बनाएं। सेकंड थिंग इज़ कि अगर पार्टनरशिप है या कंपनी है तो उसमें जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है आपका वो एक बहुत ही वेल लेड आउट अग्रीमेंट होना चाहिए। सिमिलरली कंपनी है तो को फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, उसके भी जो अग्रीमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से स्पेसिफाइड होने चाहिए सो दैट लेटर ऑन कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, को फाउंडर्स अग्रीमेंट्स, शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स। तीसरी चीज़ जो कि हम एडवाइस करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्पेशली अपनी कंपनी का नेम, लोगो, जो कुछ भी उन्होंने ऐसी चीज़ें क्रिएट की हैं जो कॉपीराइटेबल हैं, जो पेटेंटेबल हैं, उन सब के लिए ज़रूर प्रोसेस स्टार्ट कर दें किसी आईपी अटॉर्नी के थ्रू कि इन सब को हमें कैसे फाइलिंग करनी है, कैसे हमको इसमें इनको प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज जब वो नेक्स्ट स्टेज पर आएंगे जो मैं फंडिंग की स्टेज है, उसमें जब उनको फंडिंग मिलती है, वीसीज यही देखते हैं कि इनके कितने पेटेंट्स हैं और कितने पेटेंट्स इनके फाइल्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं। सो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। फोर्थ थिंग ऑफ कोर्स फंडिंग, उनको एंजल इन्वेस्टमेंट लेना है, किस स्टेज पे उनको फंडिंग लेनी है, कितना उनका अपना इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। एंड डेफिनेटली द नेक्स्ट थिंग इज़ देयर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, कि अगर वो स्टाफ को एम्प्लॉय कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं या उनके डिफरेंट ब्रांचेज वो खोल रहे हैं तो या फिर वो फ्रेंचाइज कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से इनिशियली ही स्पेसिफाई करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है और मेरे भी क्लाइंट्स के साथ हुआ है कि इनिशियली वो ट्रस्ट फैक्टर पे बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं,
तो तनुश्री मैम, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. आई थिंक जो स्टार्टअप्स में जाने वाले, बिकॉज हमारे जो व्यूअर्स है वो मोस्टली जो है यूथ है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. तो मैम, अभी इसी के सिलसिले में मैं आपसे पूछती हूँ कि जो लॉ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर आप जो काम कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड फॉर द लॉ एस्पिरेंट्स, आई गेस. तो आपको क्या लग रहा है कि उनको कहाँ से ये स्टार्टिंग करनी चाहिए? बिकॉज सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में यही चल रहा है कि ट्वेल्थ के बाद जब वो फाइनली सोच लेते हैं कि हाँ, हमें जो है लॉ के ऊपर ही आगे पढ़ना है, तो आपको क्या लग रहा है उनको किस तरीके से जो है, बिकॉज आज BA LLB भी है, BCom LLB भी है, BBA LLB भी है, तो देर आर सो मैनी ऑप्शंस. तो आपको क्या लग रहा है कैसे वो अपने इंटरेस्ट को चूज़ करेंगे? शिमुल, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है. इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. जो सबसे पहला है कि डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द वेरी सॉट आफ्टर फील्ड्स. यस, फॉर द न्यू द फ्रेशर्स एज वेल एज द लॉ स्टूडेंट्स. क्योंकि रिसेंटली लास्ट 5 ईयर्स में IP फर्म्स में इतने एंड इवन इन द Tier 2 cities, जैसे कि मेरी फर्म है, हमारे पास इंटर्नशिप और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की इंक्वायरीज बहुत आती हैं. तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी ग्रोइंग फील्ड. और टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी साथ में आने की वजह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रोल भी बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे इंटरनेशनली जब लोग एक्सपैंड करते हैं और देखते हैं कि उनके पेटेंट्स जो हैं उनको कितना ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, उनको वो कैसे कैसे कमर्शलाइज कर सकते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ इंटरेस्ट भी आ रहा है. और IP अटॉर्नीज का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है. उनके लिए प्रैक्टिस करने में स्कोप जो है वो अब सिर्फ छोटा कम नहीं रह गया, वो बहुत वाइड हो गया है. और इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जो है एक इंडिपेंडेंट IP अटॉर्नी भी इम्प्लॉय करती है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो IP रिलेटेड फील्ड में ही हो, लेकिन एक IP अटॉर्नी से ज़रूर एडवाइस लेती है. सेकेंड पार्ट जो आपने पूछा कि किस स्टेज पर उनको सोचना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, तो जो 5 ईयर लॉ कोर्स होते हैं, चाहे वो BA LLB हो या BCom LLB हो या BBA LLB हो, तो उसमें यूजुअली 3rd सेमेस्टर या 2nd ईयर से कंपनी लॉ और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स ये सब पढ़ाते हैं. तो उसी के बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनको पढ़ाया जाता है, और तभी से 3rd ईयर ऑनवर्ड्स दे कैन स्टार्ट इंटर्निंग विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फर्म्स, सो दैट दे स्टार्ट गेटिंग हैंड्स ऑन नॉलेज अबाउट द टेक्स्ट बुक फैक्ट्स दैट दे रीड. एंड a firm like ours, we give good opportunities to freshers and also to the students. Mere paas itne students aate hain jo ki IP mein itna seekhna chahte hain, and I am so happy when they put up in their testimonials that we really learnt a lot. So that is the time when they can develop their interest and they can start learning. और जो तीसरा पार्ट है आपके क्वेश्चन का कि वो क्या करें, BA LLB करें या BCom LLB करें, वो कंफ्यूज होते हैं. हमारे पास ऐसी कॉल्स आती है कि हम कौन सा चूज करें एज पर आर इंटरेस्ट, बिकॉज उनको नहीं पता चलता है. इंडीड, जब आप स्टार्ट करते हैं कोई कोर्स, उस टाइम आपको सबकी सारी डिटेल्स नहीं पता होती हैं. तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगी, यूजुअली जो लोग लिटिगेशन के लिए जाते हैं वो ज़्यादातर BA LLB ही ऑप्ट करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने BA LLB लिया है तो आप आगे जाके सिर्फ लिटिगेशन कर सकते हैं, आप आगे जाके IP फर्म्स में काम कर सकते हैं. क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर पे यूजुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स को हम एम्प्लॉयबिलिटी के लिए या इंटरव्यूज लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने इंटर्नशिप्स क्या की हैं, उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो हमारी फील्ड में कितना अच्छे से वैल्यू ऐड कर पाएंगे, तब हम उनको कंसिडर ज़्यादा करते हैं. तो इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. उनको जो स्टडी करना है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डेफिनेटली ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. तो तनुश्री मैम, इसी के साथ साथ मेरा सवाल आपसे है, आपने अभी बताया पेटेंट फाइलिंग के ऊपर एक, तो ये पेटेंट फाइलिंग कितना डिफिकल्ट है? बिकॉज आजकल बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पेटेंट फाइलिंग में जा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि कैसे आप उनको हेल्प करेंगे? सी, पेटेंट फाइलिंग डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ स्टूडेंट्स हों, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, दे कीप फाइलिंग पेटेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो दे कंसल्ट एन IP अटॉर्नी यूजुअली, सो दैट दे आर एबल टू फाइल देयर पेटेंट्स इन द बेस्ट मैनर. ओके, वैसे तो साइंटिस्ट्स जो हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खुद भी पेटेंट्स फाइल करती हैं अपने एंड से, बट एंड दे आर एबल टू डू दैट. एनी पर्सन कैन फाइल अ पेटेंट ऑन देयर ओन,
लेकिन सो व्हाट इज दैट प्रोसेस मैम, कुछ इजी प्रोसेस आप अपने तरफ से बताइए। देखिए जो प्रोसेस है वो अब ज्यादातर ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज डन ऑन एन ई फाइलिंग बेसिस। जो ipindia.gov.in की साइट है उस पे आप कर सकते हैं फाइलिंग। लेकिन क्या है कि अब जैसे जैसे हम डिजिटाइज होते जा रहे हैं, कई चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। तो जब अपने आप इन्वेंटर्स फाइल करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कॉलम छूट जाता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, जिसकी वजह से जब लेटर ऑन एग्जामिनेशन स्टेज पर पेटेंट आता है तो उसमें उनको प्रॉब्लम्स फाइल रुक जाती होगी। तो इसलिए हम यही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अब सब कुछ ई फाइलिंग है, सब सारी चीज़ें फास्ट भी हो गई हैं, विद इन अ ईयर भी पेटेंट्स ग्रांट होते हैं, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म पेटेंट्स हैं, या कोविड टाइम पे भी स्पेशली बहुत पेटेंट्स जो फाइल हुए हैं। तो इसीलिए हम यही सजेस्ट करते हैं कि एक आईपी अटॉर्नी से, एक पेटेंट एजेंट से आप डेफिनेटली कंसल्ट कर लें और उनसे समझ लें कि एग्जैक्टली स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स में बेसिकली तो यही होता है कि आप सबसे पहले पेटेंट्स के लिए सर्च करते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं है, देन उसके बाद आप फाइल करते हैं, उसकी एक एग्जामिनेशन होती है पेटेंट ऑफिस के द्वारा, और फिर अगर उनकी कोई ऑब्जेक्शंस होती हैं तो वो ऑब्जेक्शन सामने लाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो प्रोसेस चलता है। लेकिन एज आई सेड कि एक आईपी अटॉर्नी से जब आप कंसल्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आईपी अटॉर्नी आपको एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पेटेंट फाइलिंग जो है वो स्मूथ रहती है। सेकेंडली कुछ बेनिफिट्स हैं जो स्टार्टअप्स को मिलते हैं, जैसे कि 50% फीस रिडक्शन है स्टार्टअप्स के लिए। विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग स्कीम्स चलाई हुई हैं कि उनको एक्सपेडाइटेड पेटेंट जो उनकी एप्लीकेशन है वो एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन उनका होता है, प्रेफरेंस मिलती है, और भी उनको फैसिलिटेटर्स अपॉइंटेड हैं जो पेटेंट ऑफिस के द्वारा। तो इन सब के लिए आप किसी अगर आईपी अटॉर्नी से एडवाइस लेंगे तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एडवाइस मिलेगी, जिससे कि आपके जो पेटेंट फाइलिंग है वो स्मूथ रहेगी और बाद में जाके वो प्रॉब्लम्स आप नहीं फेस करेंगे। क्योंकि जब आप उस टाइम पे 2-3 साल हो जाते हैं आप पेटेंट फाइल किए हुए और आपका काम शुरू हो गया है लेकिन पेटेंट नहीं मिला है, तो वो सब जो एंग्जाइटीज बाद की होती हैं वो आप पहले से ही उनका इलाज हो सकता है। तो जी हाँ मैम, अब हम अपने एपिसोड के लास्ट की तरफ अगर चलेंगे तो सबसे पहले मेरा सवाल है इंटर्नशिप के ऊपर, क्योंकि आपने भी बताया कि आपका जो लॉ फर्म है वो भी जो है इंटर्नशिप ऑफर कर रही है, तो मैम इसके बारे में बताइए, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ज़रूर इंटर्नशिप के ऊपर इंटरेस्टेड होंगे। डेफिनेटली इंटर्नशिप्स स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने थर्ड ईयर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, कमर्शियल प्रैक्टिस, इन सब में, रियल इस्टेट प्रैक्टिस, इन सब में कर सकते हैं। थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स ज़्यादा रेलिवेंट होगा बिकॉज वो सब्जेक्ट्स उन्होंने अपने करिकुलम में पढ़े होंगे। और एडवेंटस लीगल हैज़ अ वेरी हाइब्रिड वर्क कल्चर, सो वी हैव बोथ ऑन साइट इंटर्नशिप्स एज वेल एज वी हैव इंटर्नशिप्स विच आर टोटली ऑनलाइन, एंड दिस वी हैव स्टार्टेड सिंपली बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, एंड सो दैट वी आर एबल टू प्रोवाइड इंटर्नशिप टू अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स across the country, so that they do not really waste their time and they are able to get an opportunity to be trained. Wonderful. And kis time pe aap ye offer karte hai students ko? Any time. See, internships are available throughout the year. Most jo popular time hai wo summer internships hote hai. Yet again, students want to intern with us all the year round. And what is the time period for this internship? ऑल द ईयर राउंड वो आते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स पूरे ही, यू नो, ऑल द ईयर राउंड टुगेदर विद देयर क्लासेस। समटाइम्स दे से वी वांट टू इंटर्न द रेस्ट ऑफ द डे आफ्टर 3 PM, ओके, और वी वांट टू साइड बाय साइड, माय क्लासेस आर ओनली फॉर 2 hours इन दिस सेमेस्टर और 3 hours इन दिस सेमेस्टर, रेस्ट ऑफ द टाइम आई रियली वांट टू लर्न ऑन जॉब। सो वी आर एबल टू एडजस्ट आवर टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू दिस देयर स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स, एंड दैट इज व्हाई वी हैव ऑलवेज गॉट अमेजिंग फीडबैक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर एबल टू वर्क अराउंड द स्टूडेंट टाइमिंग्स ऑल्सो। थैंक यू तनुश्री जी फॉर द वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, जो भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं उनको बता देती हूँ कि तनुश्री मैम जो है हमें आज बहुत ही अच्छे से लॉ के ऊपर करियर एस्पेक्ट्स के बारे में बिल्कुल बताया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर जो एक करियर ऑप्शन है प्लीज़ इसको याद रखिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन्स के लिए हमसे आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इन पर आप हमें इंटर्नशिप के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आज का एपिसोड हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और
कुछ इंटरेस्टिंग और न्यू करियर ऑप्शन के साथ हम अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। तब तक देखते रहिए करियर काउच विद शुभांकर। थैंक यू सो मच तनिष्री। थैंक यू सो मच। आई एंजॉयड इंटरेक्टिंग विद यू एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ अ करियर एडवाइस दैट यू वुड वांट मी टू ऑफर टू स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। देखते रहिए हर हफ्ते संडे को ओनली ऑन प्राइम टीवी @9 PM करियर काउच विद शुभांकर।